हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग। हमारे फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं बैठी हूँ अपने चाची के घर। मेरी चाची है जो बीच पीछे खड़ी है, बैठी है अंदर। ये हमारी छोटी चाची हैं और इस टाइम हम इनके घर पे बैठे हैं और बनाएंगे आज अपने पूरे गांव की वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे आपको अपना पूरा गाँव। और ये हमारी भाभी है, चाची की बहू है, और ये बच्चे, मतलब ये हमारे सारे भतीजी हैं। जितने भी बच्चे मेरे घर के हैं, भतीजी हैं मेरे सारे। और वो भी हमारी भतीजी है, सगी भतीजी। अपना नाम बताओ गुड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? दीपिका गोस्वामी। अच्छा जी, अपना नाम बताओ। अंश गोस्वामी। अंश गोस्वामी। और पढ़ते हो? पढ़ने जाते हो स्कूल में? कौन से क्लास में हो? चार। फोर। क्या नाम है तेरा? अंशिका। चल ठीक है, तो भाग ले तभी सही है। ये हमारी सगी भतीजी है, मास्टर की लड़की है, इंग्लिश टीचर अंशिका। भाग रही है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी बड़ी ताई, बड़ी ताई, बड़ी ताई ठीक हो दादी? ठीक हो, हमारी बड़ी अम्मा है ताई, गांव मतलब यहीं की। मेरी फैमिली बिल्कुल बहुत लंबी जोड़ी है और खड़ी है। देख रही हैं अपनी फोटो। और हमारे छोटे चाची का लड़का है आपसे, कौन से क्लास में पढ़ते हो? और क्या करते हो? कंप्यूटर सीखते हो? क्या करते हो? कहाँ पे जाते हो? अच्छा, और बढ़िया चल रहा सब? पापा कहाँ पे हैं? पापा पंजाब। और हम निकलेंगे गाँव की तरफ। और ये गांव में देखो चारा कट रहा है, छोटी छोटी अमेजिंग, बहुत अच्छी है, स्वीट है, पढ़ने में ठीक है, चारा कट रही है। और इसकी दादी पीछे है। और अच्छे हो? ठीक हो? और उधर बाहर बंदी हुई है, इधर गांव का इधर नाले छप्पर है यहाँ पे। और ये देखो गांव में अभी भी छप्पर देखने को मिलेगा, कितना अच्छा लगता है देखो। कौन सी क्लास में गुड़िया? फिफ्थ। और सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा पढ़ने में? इंग्लिश। इंग्लिश। एलिफेंट की स्पेलिंग बताओ। ELEPHANT। और एरोप्लेन की स्पेलिंग बताओ। ARROPLEN। टोमेटो। TOMATO। अच्छे, बिल्कुल अच्छी है, मतलब गांव के भी बच्चे पढ़ने में तेज हैं, अच्छे हैं। और हमारी छोटी मतलब चाची हैं, अच्छी हैं। और ये लवली है, लवली की मम्मी है, बैठी है इधर, रेस्ट ले रही है। बस बहुत खुश है, देख रही है हमारी फोटो, आ रही खूब अच्छे से आ रही है। और हमारी इधर दादी अम्मा है, इधर खड़ी है, फोटो अच्छे से ले लो। नमस्ते दादी, ठीक हो? और संदीप की मम्मी है, रंगीता हमारी जो सहेली है गांव की, और उनकी मम्मी है, बहुत अच्छी है सहेली हमारी, अपने घर ससुराल में है। नमस्ते चाची। नमस्ते। और कैसा हो? ठीक है। टार्च ले रखी हो दिन में? टार्च भी चल रही है। और इनका लड़का है। कोई बात नहीं, दिखा रहे हैं तुम्हें भी, दिखा रहे हैं वो लोग, बना रही मैं। और फ्रेंड्स, हम गांव में आगे तक बढ़ चुके हैं, और ये भी हमारी सहेली है, खड़ी है छोटी सी गुड़िया। हेलो, कैसे हो? ठीक है। बढ़िया हो? और इधर पीछे भैंस भी बद रखी है, देखो भैंस पूंछ हिला रही है अपना। और रास्ता यहाँ पे कैसे है? पहले यहाँ पे कुआं था, एक बड़ा सा कुआं, और यहाँ पूरा पानी पानी सब रखा है, योगी का राज। सड़क भी ना पक्की बदी हुई है। नमस्ते चाची। कम से कम रुक तो जाओ, दो मिनट। फुल प्रेशर में, स्पीड फुल है। नमस्ते अम्मा। और कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया हो? कहाँ जा रही हो? वहाँ से नहीं जाते, जाओ फिर पीछे हो जाओ। और हम फ्रेंड्स यहाँ अपने गांव के बीच में पहुँच चुके हैं। ये हमारा गांव है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, पूरा खाली खाली सा लग रहा है। और अंदर इधर हमारी एक चाची हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यार करती हैं, मिलती रहती हैं। इनसे मिल के मैं जाऊँगी। भाग रहे हैं, अच्छी फोटो अच्छी आ रही है, आ जाओ। और हम अपने गांव के बीच में खड़े हैं, मेरी पूरी फैमिली है, समझ में। चाची है मेरी, दादी भी आ गई हैं इस टाइम, और ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। हेलो बच्चे, हाय बोलो।
बोलो हेलो, आवाज भी ना निकल रही है। और ये हमारी चाची हैं, ये हमारे अंकुर भरत। दादी नमस्ते। दादी और ठीक हो? सपना, मैं तो सपना हो गई, सपने भी नजर आती हूँ। देसी पंखा चल रहा है फ्रेंड्स, इधर देख लो आप, देसी पंखा। यहाँ लाइट नहीं रहती, योगी का राज है। नमस्ते चाची, यहाँ पे लाइट शोर मत मचा। चाची जैसे बताते हैं योगी, यहाँ पूरी फुल व्यवस्था दी जाती है हमें, तो लाइट यहाँ कितने देर तक रहती है? जैसे योगी का राज है, यहाँ पे योगी की सरकार है, तो लाइट यहाँ की लाइट नहीं रहती यहाँ पे? और लाइट रहती भी तो पंखा ढंग से चलता है कि नहीं चलता? कहाँ पंखा चले, जब लाइट वजह रहे कहाँ पंखा चले। हम वहाँ हरियाणा में रहते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ योगी की सरकार है, पूरी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, सारा कोई दिक्कत नहीं यहाँ कुछ ना, व्यवस्था बकत हुआ का है। कोई मतलब पानी पर फसन बाद महीना हो गया। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, योगी की सरकार है, यहाँ पूरी फुल व्यवस्था कितनी अच्छी है। गर्मी बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और देसी पंखा यूज किया जा रहा है, बच्चे इधर तो धूल मिट्टी में खेल रहे हैं। सड़क भी बिल्कुल बेकार सी है, मतलब कच्ची सड़क है, पानी पड़ा हुआ उससे, सड़क भी अच्छे से नहीं है। राशन पानी मिलता है अच्छे से? मिलता है बस, मतलब पेट भर रहे हैं बस। खाओ, गर्मी को बर्दाश्त करो। राशन में क्या क्या देते हैं? राशन में क्या क्या देते हैं? गेहूँ चावल देते हैं और चीनी चाय पत्ती ना, ये कुल ना मिले, ये सब नहीं देते। हट हट हट, चीनी चाय पत्ती सर्फ वगैरह नहीं देते? नहीं, कुछ ना हमें ऐसा कम मिले, खाली गेहूँ चावल। नहीं, हमारे वहाँ चीनी चाय पत्ती सर्फ भी मिलता है, हल्दी वगैरह मसाले भी मिलते हैं। ठीक है जी, हाँ मैं देखती हूँ थोड़ा आगे जाके। मंजी तो लेटी हुई है, वहीं से हिला रही, देख लो। और कॉलोनी तो सबको मिल गई है, कॉलोनी तो सबको मिल गई है, मकान तो बन गया फिलहाल, ये तो अच्छी बात है। पर लाइट भी होनी चाहिए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, हर बंदे परेशान है यहाँ पे। नमस्ते चाची, और कैसे हो? ये मंजी है, मंजी बैठ गए पूरा। लाइट नहीं है यहाँ पे, हर बंदे परेशान हो रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। योगी की सरकार है, इसको चाहिए जैसे पूरी राशन पानी तो सारी व्यवस्था तो है, तो लाइट भी देनी चाहिए टाइम टाइम से। लाइट भी देते, बस पंखा हिलता है, गर्मी भी ना उससे जाती है ना, पंखे चलते ढंग से चला था, बस देखा हाथ डलावा था। ये देसी जुगाड़ से पंखा बना है, या देखा ये चलते गर्मी भी, यहाँ इंसान और परेशान हो जाएगा। कुछ खाना है ना, खेतों की सिंचाई टीवी वगैरह अच्छे से चल रहे हैं? कहाँ चल रहा है, जो कहते हैं टीवी वीवी सब बंद बा, गन्ना झुरात बा बच्चा। ऐसा क्यों क्यों ऐसा क्यों है? अरे का ना पंखा बा, टीवी भी बंद पड़ी है, कुल मिला के यही मतलब हुआ, लाइट नहीं तो कुछ नहीं। और बच्चे पीछे खेल रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। सारे बच्चों को अच्छा लग रहा है, वीडियो आ रहा है, अच्छी फोटो आ रही है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवांशु। हेलो, बोलो क्या नाम है? शिवांशु। और पापा का क्या नाम है? सर्वेश। सर्वेश, सर्वेश लड़का है। क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? सोनाक्षी। पापा का क्या नाम है? रमाकांत। रमाकांत, रमाकांत। हेलो, क्या नाम है? आदित्य। पापा का नाम? कमलाकांत गोस्वामी। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आयुष। पापा का नाम? बोला अपनी मम्मी का, बोले बोलो फिर नहीं कर पाए, खराब मत नहीं कर पाए ना। इधर आना चला जाए बस, बस अपने पापा का नाम बता दो, मैं तुम्हें ना पहचान पाई। मनोज कुमार गोस्वामी। अरे मनोज लड़का हो, लगातार फेसबुक पे मिलता है, बहुत डांस करता है। मनोज का लड़का देख लो। सही है, इधर आना गुड़िया, इधर आना। हेलो, बोलो हेलो, क्या नाम है? किसके गुड़िया है ये? हेलो, कितनी क्यूट सी है देख लो। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पापा का नाम बताना गुड़िया। कदे दीपक, कदे दीपक। हेलो, फोटो देख रही है अपनी फोन में, अच्छी फोटो आ रही है। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? क्या बताया नाम? बता।
बताओ बोले कर दीपक नहीं ध्यान में बहुत कचा है गुड़ी अपने पापा का नाम बताना हे लमाकांत हैं लमाकांत हाइट ऊपर करना थोड़ा हाइट हाइट हटाना थोड़ा हाइट हटाना हाइट अच्छा देख ये मना कहा था कि भाग जानवा मारा एक बार गड़िया लाल है ये चारा काट के जा रहा उधर मेरे दीपक फ्रेंड्स ये गांव है गांव में झोपड़ी लगी हुई है योगी सरकार थोड़ा इधर भी ध्यान दे दो इनको भी कॉलोनी मिल जाएगी जो बच्ची खुशी है मिली है कॉलोनी फिर तम मुतान के मतलब भैंसों के लिए इतना जुगाड़ कर रखे हैं यहाँ पे और यहाँ लगे हुई है तोरी का पेड़ लगा हुआ है लैटरिन मिली है कॉलोनी ये भी कॉलोनी मिली हुई है गाँव में खूब कॉलोनी मिली हुई है हाँ हाँ तुम्हारी दादी अम्मा कह रही है हमारी झोपड़ी में भी जाओ जाऊंगी अभी आऊंगी मैं बस इधर दादा से मिलूं फिर आऊंगी और ये भी लैटरिन भी बन रखी इधर इधर हमारे दादा खड़े हैं देख लो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर भी देसी जुगाड़ चल रहा है पंखे का लाइट नहीं है यहाँ पे और जबकि बताया जाता है कि जो योगी की सरकार है यूपी में खूब अच्छी सी व्यवस्था दे रखी है नमस्ते दादी और कैसे हो नमस्ते दादी नमस्ते बाबा कितने कमजोर हो गए आप और कैसे हो तुम्हारी बिटिया हुआ हाँ मेरी लड़की है ये मेरी लड़की है समृति और ये फ्रेंड्स हमारे बाबा जी हैं और हमें बचपन में पढ़ाया करते थे कभी और देखो आज ये इतना कमजोर हो चुके हैं हड्डी हड्डी है देख लो इनकी हड्डी हड्डी मैं दिखा रही हूँ और अच्छे हैं इस टाइम अच्छे हो बढ़िया हो ठीक है और गर्मी कैसे लग रही है अरे गर्मी तो बहुत लग रही है बारिश नहीं हो रही इधर बारिश कहाँ होती है अच्छा जी चलो सही है और ये दादी हैं जो दादाजी ये पढ़ाते थे बचपन में उनकी वाइफ हैं नमस्ते दादी और ठीक हो तबीयत कैसी है ठीक है गर्मी से बुरा हाल है सब बंदे का चेहरा बंदे का चेहरा बिगड़ गया है इनके पास बैठ के थोड़ा हवा मुझे भी लग जाएगा ठीक हो आप आए नहीं घूमने के लिए उधर भी एक बार में आओ बाओ हाँ कब आओगे पूरी खाने आओगे आ जाना फिर नौता भंडारा करने आ जाना नौता है पूरा खाए क्यों नहीं खाते आप पेट खराब हो जाए गर्मी बहुत ज्यादा है सही बात और ये हम खेत बगल खेत में है साइड खेत है और पतला सा रोड है हम निकल रहे हैं मड़ई में मड़ई में खाना हम मड़ई में खाना बने थे मड़ई में खाना बनाते हो हाँ, तो हमारे पास खाना बनाते हैं फिर हमें रहने का ठिकान नहीं है रहने का भी ठिकान नहीं है और बच्चे वगैरह कहाँ पे हैं बच्चे हैं दो दो बच्चे हैं दो जने दो लियाल के हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं और ये घर है मतलब इन्हें भी कॉलोनी मिलनी चाहिए मतलब रहने के लिए घर तो होना चाहिए दादी अम्मा का कहना है हमें कॉलोनी नहीं मिली है योगी इन्हें भी कॉलोनी दे दे कम से कम अपना एक रूम तो बना ही लेंगी और हम दिखा सकते हैं इनका घर कैसा है और ये है यहाँ में रहते हो ये जो टूटी फूटी से छप्पर दिख रही है इसमें दादी अम्मा रहती हैं रोटी कहाँ बनाते हैं आप इसमें बनाते रोटी आप दिखाना ये छोटा सा गेट है इसमें इनकी रोटी बनती है और इसमें रहते हैं पंखा वगैरह है कि नहीं है पंखा भी नहीं है अंदर कैसे आऊँ अंदर तो घुटन सी हो रही देख के ही बाहर से आ रही हूँ ये दरवाजा है ये भी टूटा हुआ है दरवाजा खोल ही तो टूटा यहाँ पे आप खाना बनाते हैं फ्रेंड्स यहाँ दादी अम्मा खाना बनाती हैं देखो लकड़ियाँ भी रखी हैं और इनके पास कुछ नहीं है बता रही हैं हमारे पति नहीं वो कहाँ हमारे पास कुछ पति भी नहीं है और इनके पास कुछ नहीं है और लाइट आ गई फिलहाल लाइट इस टाइम आ गई इस टाइम 7 बज रहे हैं रात के 7 बज रहे हैं तो लाइट आ गई और हमारे पास गुजारा नहीं है देख लो वीडियो भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा फ्रेंड्स क्या बताएं आपको ये इतने बर्तन मसाला वगैरह रखी है और ये बीच में मीटर टंग रखा है इधर ये मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है कैसे रहती हैं यहाँ तो घुटन भी और अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत है ये बच्ची दिखन ना घर ये तो गिर गया हो कहीं टूटा सा दरवाजा है और ये निकल गया बेचारी किसी तरह इसी में रह रही हैं और खाना बना रही हैं
सोते तो बाहर हैं, चलो सोने की कोई दिक्कत नहीं, गाँव में लोग बाहर ही सो जाते हैं। रहने के लिए थोड़ा सा तो जुगाड़ होना चाहिए, कम से कम इतना 4 ईंट लगेगी, 1 ट्रॉली ईंट लगेगी, इसमें लाके मिल जाए तो बन जाएगा इनका आराम से। हाय हाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। अच्छा लग रहा है, वीडियो बन रही, अच्छा लग रहा है। आप बैठ जा। और ये हमारी चाची यहाँ रहती है गांव में पीछे, और ये अपनी मतलब इनकी ये भैंसा, भैंसा के पास रह रही है। नमस्ते चाची। खुश रहा बहनी? ठीक हो? हाँ ठीक है बहनी। बढ़िया मस्त पड़ी हो आपको? सही है, गांव की अच्छी व्यवस्था है ना, देख रहे हैं। दादी अम्मा खूब खुश है, ले चले दादी अम्मा, चलो भी हमारे घर। ठीक है चलो फिर। और असली अम्मा आ रही है, सारे बाल पक गए इनके, मैं तो सोची मेरे ही पक रहे। नमस्ते दादी, और कैसे हो? आ? का कह रही हो? दुबराए गो, मतलब मैं कमजोर हो गई हूँ, कह रही दुबराए गो, हम कमजोर हो गए इस टाइम। चले तुम्हारे घर दिखाओगे अपने बहुओं को? बहू है घर पे? दिखाऊं? चलो चलो दिखाओ, चलो कि नहीं दिखाओ? इतना दूबर है जो तुम्हारे लड़के। आप सब रहते हो गांव में, हम रहते हैं सिटी में, किराया भाड़ा और सारा खर्चा निकालते हैं। बस्ता क्या है, 2 रुपए बस्ता बिस्कुट खा के सो जाते हैं। सारा रस तो आप ही खा रहे, सारा आइटम। बच्चे घर पे हैं? कहाँ रहा तू बहनी? गजाधरी में? गजाधरी में रहते हैं, जगाधरी में, हरियाणा में। ठीक बा, आ जाना शाम को। आओ। नमस्ते चाची। खुश रहे? और कैसे हो? ठीक है। बढ़िया हो? हाँ बढ़िया है। और क्या हो रहा है इस टाइम? कुछ नहीं, खाना बनाने जा रहे हैं। और इस टाइम कितने बज रहे हैं शाम के? शाम के 7 बज रहे हैं। और लाइट आ गई इस टाइम? हाँ लाइट आ गई, सारा दिन लाइट नहीं थी फ्रेंड्स, इससे मैं गाँव में घूम ही रही लगातार, तो शाम के 7 बजे लाइट आई यहाँ गाँव में। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, पूरा पसीना निकल रहा है। और गांव की औरतों का बुरा हाल, देखो जो बहुए हैं घर में रहती हैं बेचारी, बेहतर तो कितना मतलब कष्ट सहना पड़ता है इनको, पसीने से तर बतर हैं। दादी अम्मा खुश हो रही इधर खड़े खड़े। वहाँ देसी पंखा हिला रही थी, लाइट आ गई, अपने घर में आके पहुँच गई सीधा, है ना बच्चों? फिर सब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन दुबराए गए तू? हाँ दादी, क्या कह रहे हैं आप? दुबराए गए और क्या? दुबराए गए तू, हम कमजोर हो गए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।